पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में आज शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटना है और इसको लेकर विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है कि भाई ये नियुक्ति पत्र बांटेगा कौन। श्रेय लेने की होड़ मची है। पोस्टर से जहां तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है, जदयू इसको लेकर काफ़ी तैयारियां पिछले कई दिनों से कर रहा था, तो उधर राजद ने भी मोर्चा खोल रखा है। अब देखिए, पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया इसको लेकर, तो तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। साथ ही साथ जब सवाल किया गया कि फर्जीवाड़ा हो रहा है शिक्षक बहाली में, उस पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी राय रख दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आगे देखिए क्या क्या होता है। जरा सुनिए पहले तेजस्वी यादव को। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का आज पटना एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, क्योंकि चर्चाएं तेज चल रही हैं कि तेजस्वी यादव की पहल से ही बिहार में जो 170,000 शिक्षकों की बहाली हुई, उसमें 130,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। कहीं ना कहीं बिहार के लिए बड़ा दिन है, राजद के लिए भी बड़ा दिन है कि जो तेजस्वी यादव का सपना था 1,00,000 रोजगार का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं पटना एयरपोर्ट पर पहुंचकर, जरा सुनिए। डायस्पोरा जो है वहाँ भी हम लोग जो है सभी लोगों से, बिहारियों से जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे भी मुलाकात की है। आज ऐतिहासिक दिन है और जो महागठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया है और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रहा है, फर्जीवाड़े की बात आरोप लगा रही है। उनको भगवान जो है, भगवान जो है, भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए, महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, विज्ञापन निकाल के फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो बीजेपी को तो तकलीफ तो हो गई, तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं। और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे, तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया, बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरी। नरेंद्र मोदी 50,000 नीतीश कुमार ने कहा है कि रेडी देने 50,000 रेडी देने, नरेंद्र मोदी 50,000 ने कहा है। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलवे ना करेगा, महानायक ना है भाई। आप लोगों को समझना चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है ना। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दे। एक समाजवादी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने इतनी नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।